क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रबुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब। हम कहते हैं वो कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तानी का खून था। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है, हर जगह झूठ बोला जाता है। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, जहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली हो। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं। आज हम ये सोचते हैं मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो। हम पहले ही प्रधानमंत्री बने। हालत यह है, उस खून को याद कीजिए जो वहां उस जमीन पे पड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तानी का खून था। उस वक्त धर्म नहीं था। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सबका भगवान है। वो अंग्रेजों का भी है, रूसियों का भी है, उनका भी है जो मानने वाली नहीं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रबुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो अल्लाह कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते। हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है। जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है, उसके जला के बाद भी उसकी जो खाक है वो जमीन में मिल जाएगी। मगर ये वो नहीं कहते, ये कहते नहीं, मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जवान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है। हमें अपने झगड़े भूल जाने हैं। अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं नीडू से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमें कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है,
हर जगह झूठ बोला जाता है। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, जहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं।